कमल एकेडमी कोच में आपका स्वागत है। जो टीचर्स की टीम हम लोगों ने बनाई है बहुत मेहनत कर रही है आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो आइए जानते हैं अपने टीचर्स से कि आज हमारे बच्चों को वो क्या पढ़ाने वाले हैं। तो जल्दी से आप बने रहिए चैनल पे और देखते रहिए सारी वीडियोस को अच्छे से, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखते हैं बच्चों को आज क्या पढ़ाया जाता है। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे यानी कि तृतीया विभक्ति। आपने पढ़ा था कारक में कर्ता, कर और तीसरा है करण। तो कर्ता ने कर्म को करण से, ओके, तो करण कारक क्या है कि जिन साधन से क्रिया की जाती है उसे करण कहते हैं। यानी कि जिन साधन से, यानी कि जैसे मेरा पेन है, मैं पेन से लिखती हूँ, तो पेन से मैं उस कार्य को कर रही हूँ, तो पेन मेरा क्या है, साधन है, तो इस साधन से मैं काम कर रही हूँ, तो इसलिए उसको हम करण कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह से या के द्वारा होता है। जैसे बालक गेंद से खेलता है, बालक किससे खेल रहा है, गेंद से, यानी कि उसका साधन क्या है, गेंद, वो गेंद से खेलता है। तो ये आपका डेफिनेशन भी है, इसको लर्न करना है अच्छी तरीके से, और मैं इसकी एक्सरसाइज आपको पिक से डालूंगी जो आपको लर्न करनी है अच्छी तरीके से। ओके, थैंक्स।